नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड के तमाम खबरों की तरफ। और वहीं आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर देहरादून पहुंचे एसपी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान किया है कि 70 विधानसभा सीटों पर सपा चुनाव लड़ने वाली है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली, और उन्होंने डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में नहीं कर पाई विकास। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर देहरादून पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वही आपको बता दें कि उन्होंने विपक्षी पार्टी और आपको बता दें कि सपा विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और डबल इंजन की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास नहीं कर पाई है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी अब उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब वहीं 9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है, और पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था। और साल 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हुई हैं, वहीं पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। और हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है, और उत्तराखंड को देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। और उत्तराखंड राज्य में बहुत समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है, जिनमें ग्लेशियर, नदियां, घने जंगल और बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां शामिल है। और इसमें 4 सबसे पवित्र और श्रद्धेय हिंदू मंदिर भी हैं, जिन्हें उत्तराखंड के 4 धाम के रूप में भी जाना जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। और राज्य की राजधानी देहरादून है। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड नाम संस्कृत बोली से लिया गया, और जिसका शाब्दिक अर्थ है उत्तरी शहर। और इसका गठन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल के लंबे संघर्ष के बाद किया गया था, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया और अलग राज्य की मांग की थी। और वहीं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के उत्तरांचल के रूप में गठित होने से पहले कई सालों तक संघर्ष चला था, और बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। और ये राज्य सांस्कृतिक, जातीयता और धर्म का सम्मेलन है, और भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से भी एक है। उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्यों में तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शामिल है। और वहीं उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन मैदान में रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। और वहीं सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को बड़ी सौगात दी, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन भी किया। और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहा है, और केंद्र से विकास कार्यों के लिए 1,00,000 करोड़ की मदद की गई है। और योजना है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ा जा सके, जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार भा सके। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए और सीमाएं। और वहीं सीएम ने आपको बता दें कि सीएम ने कई घोषणा की, और वहीं आपको बता दें एक एक करके कि उन्होंने क्या क्या घोषणा की। और वहीं सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने की घोषणा है, जिन आंदोलनकारियों को पहले
3100 रुपये पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 4500 किया गया, और वहीं जिन्हें 5000 मिलती थी उसे अब बढ़ाकर 6000 कर दिया गया। और वहीं दूसरी में ये कहा गया कि राज्य में खेल नीति 2021 जल्द लागू होगी, और वहीं जनपद स्तर पर महिला छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा। और वहीं अगली घोषणा, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी। और वहीं इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, और राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। और इसके अलावा 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपये उपहार राशि दी जाएगी। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगेगी, और सेवा का अधिकार अधिनियम में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा। और वहीं इसके अलावा राज्य को आयुष वेलनेस का हब बनाया जाएगा, और पर्यटक गृहों में आयुष वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड राज्य स्थापना के 21वें वर्षगांठ पर राज्य गठन के बाद प्रदेश के लोगों के साथ छल का आरोप लगाते हुए आप कार्यकर्ता सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेंगे। और वहीं कांग्रेस और बीजेपी से 21 सवाल पूछेगी, और दोनों दलों को गैर जिम्मेदार बताते हुए आप नेता कर्नल अजय कोटियाल एक चार्जशीट भी जारी करेंगे। और प्रवक्ता नवीन पेशाली ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से सत्ता में रहकर 21 साल में राज्य को विकास से कोसों दूर कर दिया, और उत्तराखंड के विकास और लोगों की बेहतरी के लिए दोनों ही दल सत्ता में रहकर कोई नीति नहीं बना पाए, जिससे राज्य में बेरोजगारी की दर बढ़ी है और स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं के बुरे हाल है। और वहीं आम आदमी के प्रवक्ता ने कहा कि आप पार्टी के कार्यकर्ता 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों में प्रदर्शन कर 21 सालों में प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का आरोप लगा और 21 सवाल पूछेगी, और आप नेता अजय कोटियाल मसूरी स्थित शहीद स्थल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। इसके अलावा दोनों दलों की गैर जिम्मेदारी को लेकर एक चार्जशीट भी जारी करेंगे, और उन्होंने कहा कि शहीदों ने जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण का आंदोलन किया था, आज भी वो सपने अधूरे हैं। अब बीजेपी सरकार ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि साल 2022 में सत्ता में आने पर 2.5 से 3 वर्ष में गैरसैंण में अवस्थापना विकास और ढांचागत सुविधाएं जुटाने के बाद राजधानी वहां शिफ्ट कर देंगे, और गैरसैंण में विधानसभा भवन का निर्माण म्यूजियम बनाने के लिए नहीं किया गया। और उन्होंने कहा कि 29 नवम्बर को सत्र के पहले दिन कांग्रेस गैरसैंण में भव्य रैली निकालकर सरकार को चेताने का काम करेगी। और कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैरसैंण के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया, और इस अवसर पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि गैरसैंण के नाम पर बीजेपी प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद वहां शीतकाल में सत्र आयोजित करना सरकार की नियत पर सवाल खड़े करता है। और इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है और पार्टी की नियत पर किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 9 महीने पूर्व बीजेपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन तब से अब तक सीएम से लेकर सीएस तक और मंडलायुक्त से लेकर आयुक्त तक को तो छोड़ो एक अदना कर्मचारी भी गैरसैंण नहीं गया, और ऐसे में सरकार की घोषणा पर ही सवाल खड़े हो रहे। और वहीं दीपावली पर जबरदस्त आतिशबाजी के बाद तीर्थ नगरी ऋषिकेश में खतरनाक स्तर तक बड़े प्रदूषण के दुष्परिणाम सामने आने लगे, और सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में आने वाले मरीजों की संख्या 20% और ओपीडी में उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 25% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश मरीज सांस लेने में तकलीफ, सीने में जलन, खांसी आदि की शिकायतें के साथ अस्पताल पहुंचे, और शहर में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर
आपको बता दें कि तीर्थ नगर वासियों को चेताया था और दीपावली के दिन ऋषिकेश में AQI 257 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था और प्रदूषण के चलते फेफड़ों से संबंधित रोगों के मरीजों, बच्चों और बूढ़ों को तकलीफ झेलनी पड़ रही। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को SPS राजकीय अस्पताल की OPD में 504 और एमरजेंसी में 52 मरीज इलाज के लिए पहुंचे थे और एमरजेंसी में आने वाले अधिकांश मरीज पहले से अस्थमा और TB के जैसी बीमारियों से ग्रस्त थे और इन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और वहीं फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ की OPD में काफी भीड़ थी और अधिकांश बीमार वृद्ध और बच्चों को सांस लेने में परेशानी और सीने में जलन, खांसी, जुकाम, गले में दर्द और आंखें में दर्द और जलन की शिकायत थी। और वहीं SPM राजकीय अस्पताल के CMS डॉक्टर विजेश भारद्वाज ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के बीच बच्चों, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी और उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे में वो प्रदूषण के दुष्प्रभाव की चपेट में आ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को AQI सामान्य होने तक घर पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं हरिद्वार में बसपा के नए प्रदेश प्रभारी के स्वागत समारोह में जमकर कुर्सियां चली और विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदार के समर्थकों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी और हाथापाई की गई और बसपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मामला शांत कराया और बसपा हाईकमान की ओर से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मेघराज जरावरे को नया प्रदेश प्रभारी बनाकर उत्तराखंड भेजा गया और बसपा के शिवाललिक नगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर दोपहर में डॉक्टर मेघराज जरावरे का स्वागत समारोह रखा गया था। और वहीं बताया जा रहा है कि स्वागत कार्यक्रम के दौरान विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन स्वागत समारोह का जब समापन होने लगा तो कुछ विधानसभा सीटों से टिकटों के प्रबल दावेदारों और अन्य दावेदारों के समर्थकों में कहासुनी हो गई और टिकट नहीं मिलने से नाखुश लोग गलत टिकट दिए जाने का मुद्दा उठाने लगे और इससे कार्यालय का माहौल गर्म हो गया और देखते ही देखते टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने वहां रखी कुर्सियों को उठाकर एक दूसरे पर मारना शुरू कर दिया और इस दौरान बसपा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मामला शांत किया और इस दौरान पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता ने हंगामे का वीडियो भी बनाया और अपने मोबाइल में बनाकर बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और वहीं आज छठ पूजा का दूसरा दिन है और आज के दिन खरना मनाया जा रहा है और पूर्वांचल में छठ पूजा का विशेष महत्व है, ऐसे में आज के दिन को कैसे मनाएं विशेष और इसके साथ कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। खाए के साथ छठ का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। अब दूसरे दिन यानी कि आज खरना की परंपरा निभाई जा रही है। खरना कार्तिक शुक्ल की पंचमी को मनाया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण, इसे लोहंडा भी कहा जाता है। आपको बताते चले, खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर्व बेहद कठिन माना जाता है और इसे बेहद ही सावधानी के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्रती छठ के नियमों का पालन करती है उसकी सारों मनोकामनाएं सूर्यदेव पूरा करते हैं। आज के दिन व्रती शुद्ध मन से सूर्यदेव और छठ माँ की पूजा करके गुड़ की खीर का भोग लगाती है। खरना का प्रसाद काफी शुद्ध तरीके से बनाया जाता है। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है उसे नए चूल्हे पर बनाया जाता है। व्रती इस खीर का प्रसाद अपने हाथों से ही पकाती है। खरना के दिन व्रती महिलाएं सिर्फ एक ही समय भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर से लेकर मन तक शुद्ध हो जाता है। आज के दिन महिलाएं और छठ व्रती सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करके नाक से माथे की मांग तक सिंदूर लगाती हैं। खरना के दिन व्रती दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय लकड़ी के चूल्हे पर साठी के चावल और गुड़ की खीर बनाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। फिर सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करती है। उनके खाने के बाद ये प्रसाद घर के बाकी सदस्यों में बांटा जाता है और इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही घर में देवी षष्ठी का आगमन होता है।
आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि छठ पर्व का दूसरा दिन खरना होता है। खरना का मतलब है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में सफाई और स्वच्छता का विशेष महत्व है। पहले दिन नहाए खाए होता है, जहां तन की स्वच्छता होती है, वहीं दूसरे दिन खरना में मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। इसके बाद छठ के मूल पर्व षष्ठी का पूजन होता है और भगवान सूर्य को अर्घ देकर उनका आवाहन किया जाता है। खरना के दिन तन मन से शुद्ध होकर छठी मैया के प्रसाद बनाया जाता है। 36 घंटे का व्रत रहते हुए षष्ठी के दिन चढ़ाया जाता है। आपको बताते चले कि छठ पूजा सूर्य देव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से घर में धन धान्य का भंडार रहता है। छठी माई संतान प्रदान करती है। सूर्य से श्रेष्ठ संतान के लिए भी ये उपवास रखा जाता है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसके नियम बेहद कठोर हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सूर्य भगवान को जिस बर्तन से अर्घ देते हैं, वो चांदी, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। छठ पूजा का प्रसाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहाँ खाना बनता हो। पूजा का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही पकाया जाता है। इतना नहीं, छठ व्रतियों को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को फर्श पर या फिर चादर बिछाकर नीचे सोना चाहिए। प्रसाद बनाते वक्त कुछ न खाएं। प्रसाद बनाते वक्त और पूजा करने के दौरान हर किसी को साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। बिना हाथ धोए पूजा के किसी भी सामान को छूना नहीं चाहिए। बच्चों को छठ पूजा का प्रसाद जूठा नहीं करने देना चाहिए, जब तक छठ पर्व संपन्न न हो जाए। छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज के सेवन से बचना चाहिए और इन्हें घर पर भी नहीं रखना चाहिए। छठ पूजा में व्रत रख रहे लोगों को अपशब्दों और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रती हैं तो बिना सूर्य को अर्घ दिए जल या भोजन ग्रहण नहीं करें। छठ व्रत के दौरान घर पर मांसाहार लाना वर्जित माना गया है। स्पेशल डेस्क आरएन न्यूज। ठंड का मौसम है, ऐसे में चेहरे का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। लेकिन आप में से कई लोग बड़ी असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं हमेशा, कि आखिर ऐसा क्या करें कि हमारी स्किन हमेशा ही जवान नजर आए। तो आइए, इसका सीक्रेट क्या है आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। बर्फ का इस्तेमाल आप अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्फ का इस्तेमाल आप अपने चेहरे पर भी कर सकते हैं। दरअसल त्वचा में कई तरह की परेशानियां हो जाती, खासकर चेहरे पर पसीना और गंदगी, जिससे चेहरे की रंगत छिन सी जाती है। ऐसे में आप अपने स्किन पर बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी त्वचा को कोमल और जवा बनाने के लिए आपको बताते चले, बर्फ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको राहत मिलेगी। स्किन को लेकर आजकल हर कोई परेशान रहता है, ऐसे में आप उसकी देखभाल में भी कई बार जमकर पैसा खर्च कर देते हैं, ताकि आपकी स्किन हमेशा चमकती रहे। जब भी घर से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो स्किन में कई तरह के बदलाव हो जाते हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे घर पर रहकर स्किन को चमकता हुआ आखिर आप कैसे बनाएं। तो आपको बताते चले कि बस एक मिनट बर्फ से अपने चेहरे की मसाज करनी है और आपकी स्किन बन जाएगी बिल्कुल जवान। रोज सुबह उठकर चेहरे पर बर्फ का टुकड़ा लें और उसे किसी कपड़े या प्लास्टिक बैग में लपेट लें और फिर उसे चेहरे पर लगाएं। इसे हल्के हाथों से रब करें और चेहरे पर सर्कुलर यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में घुमाएं। चेहरे पर बर्फ लगाने से स्किन का ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है, इससे चेहरे की त्वचा से जुड़ी दिक्कतों का भी अंत हो जाता है। आपको इससे अच्छा ग्लो मिलता है, साथ ही फेस बढ़ने लगता है। बर्फ की मसाज से मुहासों से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले आप अपना चेहरा धोकर सुखा लें। आप कपड़े या प्लास्टिक बैग में लिपटे हुए बर्फ से सर्कुलर यानी हाथों को गोलाकार में घुमाते हुए चेहरे के 10 मिनट तक मसाज करें। रोज ऐसा करने से आपको मुहासों से छुटकारा मिल जाएगा। लगातार कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करने से कई बार आंखें सूज जाती हैं। ऐसी पफी आईज से राहत पाने के लिए भी आप आंखों पर बर्फ की मसाज करें। इससे आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी और आपको फ्रेश महसूस होगा। आंखों की थकावट भी दूर हो जाएगी। अगर आप हर रोज सुबह ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो सप्ताह में 3 से 4 बार हर दिन सुबह एक आइस क्यूब से चेहरे की मसाज जरूर करें। इससे आपको लंबे समय तक ताजगी मिलेगी। इस तरीके को आप दूसरे तरह से भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपको बताते चले, तुलसी और एलोवेरा ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं।
एलोवेरा आपके शरीर से अतिरिक्त तेल को हटाता है और मुहासों से छुटकारा दिलाता है, जबकि तुलसी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण त्वचा को निखारता है। बर्फ की ठंडक के साथ या कॉम्बो सनबर्न के लिए एक अच्छा उपाय है। एक कप पानी में मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते लें और उन्हें पीस लें। प्राकृतिक एलोवेरा जेल के 2 बड़े चम्मच उसमें डालें और अच्छी तरह मिलाएं। आइस क्यूब ट्रे में इस मिश्रण को भर दें और इसे जमने के लिए फ्रीजर में रख दें। अब अपने स्किन पर इसे रब करें। आप तुलसी के पत्तों की जगह नारियल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि तेल को ऊपर ऊपर जमा होने से बचाने के लिए उसे अच्छी तरीके से मिलाएं। 2-3 चम्मच तेल का इस्तेमाल करें। कॉफी सिर्फ पीने की ही काम नहीं आती है, बल्कि इसमें ऐसे भी गुण होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत लाभकारी हैं। कॉफी स्किन पैक के बारे में भी तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कॉफी आइस क्यूब कुछ नया है जिसे आपको त्वचा की चमक के लिए इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। ककड़ी और नींबू, ये ऐसी भोजन सामग्री है जो विटामिन सी के साथ साथ हाइड्रेटिंग भी होती है। ये आपके पेट के लिए लाभकारी होती है, साथ ही आपकी त्वचा के लिए भी काफी अच्छी होती है। खीरा और नींबू दोनों ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ और चमकदार बनाते हैं। जब इसे बर्फ की तरह तैयार किया जाता है तो यह बीटी कॉकटेल ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित करता है और चेहरे से कील मुहासे भी दूर करता है। दूध वाला आइस क्यूब, आपको बता चले लैक्टिक एसिड दूध के प्रमुख इंग्रेडिएंट्स हैं और सबसे स्वस्थ सामग्री में से एक माने जाते हैं। ये न केवल आपके पाचन तंत्र को ठीक करते हैं, बल्कि आपकी त्वचा को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज भी करते हैं। स्किन पर लाल धब्बों को कम करते हैं ये आइस क्यूब और आपको प्राकृतिक चमक देते हैं। स्पेशल डेस्क आर्यन न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।